अब मैं बता दूं कि भोजपुरी को वो इतना गर्त में लेके जा रहे हैं, इतना घिनौना साबित कर रही है काम करके। गाने नाम पे गाना कोई ये नहीं है, आप गा सकते हो। अब गाए भी ये बहुत शुरू से चल रहा है, जैसे हमारे बड़े भैया जो भोजपुरी के हैं मनोज तिवारी सर, ही हंस दिले रिंकिया के पापा, तो ये सब आम चीज़ है, गा सकते हैं। लेकिन पर्सनली किसी को टारगेट करके, किसी का नाम ले करके, नाम लेके गाने से भी कोई मतलब नहीं, किसी का फोटो लगा करके थंबनेल में, ये बहुत शर्मनाक काम किया है। जो भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। तो खेसारी भैया के लिए क्या कहना चाहिए जो आजकल बहुत मानसिक तनाव में है? और खेसारी भैया से एक मेरा अटूट लगाव है शुरू से ही, और मैं कहना चाहूँगा कि अब जो हुआ सो हुआ, और आप कड़ा एक्शन लीजिए, पर्सनली लीजिए। ये लाइव आके कहने से बोलने से कुछ नहीं होगा, पर्सनली एक्शन लीजिए, और जो ऐसा काम शर्मनाक कर रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सिंगर हिट होने के लिए ऐसा जो गलत काम किया है? तो हिट होने के लिए किसी के आप बेटी और माँ बहन को आप नाम लेके लतेड़ नहीं ना सकते हैं। आपको इतना थोड़ी ना मिल गया है सरकार से परमिशन कि आप किसी को निजी मामले में हिट होने के लिए किसी को आप गाली देने लगिएगा, किसी के बेटी को नाम लेके गाना गाइएगा, किसी को पर्सनली फोटो लगा दीजिएगा। ये तो बिल्कुल गलत है, इस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं सख्त से सख्त। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे अगर आगे भी जो गाना बनाए या ना बनाए, उन पे केस होना चाहिए, और पर्सनली केस होना चाहिए मानहानि का, और उनको जेल जाना चाहिए जो ऐसा काम शर्मनाक कर रहे हैं, ताकि दोबारा किसी और को करने का हिम्मत ना मिले। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? अपने फैंस और ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ही प्यार आशीर्वाद जैसे अपने सिंगिंग में मुझे देते हैं, गायकी में देते हैं, उसी तरह से अपने भाई मोनू अलवेला को मूवी जो आ रहा है उसमें भी आप लोग प्यार आशीर्वाद देंगे। सबको दिल से लव यू, प्रणाम, हर हर महादेव। ये चलते दो लाइन कोई गाना हर सुनवा के सिकड़ी गाड़ी फरा चुनर लेला, अरु से वाला दूल्हा से हुनर लेला, गाड़ी फरा चुनर लेला। हम बलम बात महन नारी के, फिल्म हम देखब खेसारी के, टिकट बड़ी महंगा मिलता और सुन के दिमाग वाही लता, जाइब हम बत्तिया तारी के, फिल्म हम देखब खेसारी के। लगातार अभी प्रोग्राम के कारण मेरा गला भी थोड़ा सा बैठ गया है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे, दिल से लव यू। ऑलरेडी मैं अनपढ़ रहता हूँ इस फिल्म में, और मैं अब पूरी फिल्म जब देखेंगे और स्टोरीज का पता चलेगा, मुझे तो शॉर्टकट में बताया गया था कि जब पूरी फिल्म देखेंगे तब मुझे पता चलेगा कैसे मैं पटाता हूँ हीरोइन को। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात की जाए, उनके बारे में क्या कहना? प्रोड्यूसर हमारे पप्पू भैया ओम प्रकाश भैया, सबका स्वागत अभिनंदन है, और बहुत अच्छे दिल के हैं, और मुझे लेके फिल्म कर